अगली खबर में हम बात करते हैं उज्जैन की, जहां मां ने फ्री फायर गेम खेलने से मना क्या किया। 13 साल का बच्चा इतना नाराज हो गया कि वह घर से भाग गया, बैग में कपड़े भरे और साइकिल से निकल पड़ा। माँ का मोबाइल भी साथ ले गया। बच्चा 55 किलोमीटर साइकिल चलाकर उज्जैन से इंदौर पहुंच गया है। जब पुलिस उस तक पहुंची तो बोला, मैं मुंबई जा रहा हूं, मुझे गेम डेवलपर बनना है। मम्मी ने गेम डिलीट करा दिया था। सीएसपी विनोद मीणा ने बताया कि मंगलवार को 8वीं क्लास का स्टूडेंट कैलाश अंपायर कॉलोनी से लापता हो गया था। वह घर से साइकिल से मेन रोड तक आने के लिए निकला, जहां स्कूल बस आनी थी। पीछे पीछे माँ पैदल चलकर पहुंची। माँ जब मेन रोड पर पहुंची तो वहाँ बेटा नहीं दिखा। उन्होंने घर लौटकर देखा तो वहाँ भी नहीं मिला। उनका मोबाइल भी घर पर नहीं था। आसपास तलाश की, कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नाके के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें वह साइकिल से इंदौर जाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने बच्चे की माँ की मोबाइल लोकेशन की ओर टीम को रवाना किया। पुलिस इंदौर के मरी माता चौराहे से उसे खोज लाई। बच्चे ने पुलिस को बताया कि माँ ने मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर डांटा था, गेम भी डिलीट करा दिया था। गुस्सा होकर स्कूल बैग में अपने कपड़े और माँ का मोबाइल रख साइकिल से निकल गया। इंदौर से मुंबई जाऊंगा, गेम डेवलपर बनना है। इस पर पुलिस ने उसे छोटी उम्र का हवाला देकर समझाया है, जो भी बनना चाहते हो 18 साल की उम्र के बाद करना। पुलिसकर्मियों ने उसकी साइकिल जीप में रखी और बालक को गाड़ी में बैठा कर उज्जैन लाए। इसके बाद बच्चे को पेरेंट्स के सुपुर्द कर दिया गया है। तब हमको पता चला कि ये थोड़ा सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मैक्सिमम टाइम उसका ऑनलाइन जाता था, या तो वीडियोस देखता था या फिर गेमिंग खेलता था। तो फिर हमने फिर इसके परिजनों को बुला के उनके सपोर्ट कराया इसको। इसके बाद फिर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इसको भेजा, ताकि वहाँ पर इसकी अच्छी तरीके से काउंसलिंग की जा सके। जेल से कैसे गया था, कहाँ था? ये साइकिल से ही गया था।